हाय एवरीवन मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ मेरा नाम है कृतिका एंड ये है ओ टू आई एस अकेडमी आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी ड्रॉ सीरीज के साथ में डेली रिवीजन एंड वर्क आने वाले एच एस में ये एज ए रिविजन कोर्स आप लोगों को हेल्प करने वाला है इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब इसमें आपका जी चल रहा है करेंट अफेयर्स है और हिमाचल प्रदेश का सेगमेंट है हिमाचल प्रदेश मैं कवर कर रही हूँ एक दिन हम लोग हिमाचल के करंट अफेयर्स देखते हैं पिछले एक साल के और एक दिन हम लोग एम सी क्यूज डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं तो आज अभी जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कवर कर रहे हैं आज हम आर्ट एंड कल्चर देखने वाले हैं इससे पहले हिस्ट्री और जोग्राफी की तो आर्ट एंड कल्चर में क्या है आपका बहुत सारे कांगड़ा की जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है सिंस बहुत सारे टेम्पल्स हैं पेंटिंग्स हैं देन अगेन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं तो ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एच किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछता है इन लेक्चर्स के पी आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं आप जब उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक एच एस प्रीलियम टेस्ट सीरीज का कोर्स बना हुआ है वहां पे कंटेंट सेक्शन में जाके फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर सारे क्या मिलेंगे जो पीडीएफ हैं वो मिलेंगे ताकि बाद में भी आप रिवाइज कर सकें और भी कुछ वहाँ पर कोर्सेज हैं सो उनको भी आप चेक कर सकते हैं सो so, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ में तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है तो मैं इनको रीड करूंगी लेकिन अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ आंसर बताने में आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपने स्टेटमेंट्स जो है पढ़ सकते हैं और आंसर डिसाइड कर सकते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन कौन से जो कुछ टेम्पल्स हैं कांगड़ा के जिनके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं पहला आता है हमारा कि जो अकबर है उसने ज्वालामुखी टेम्पल को विजिट किया था दूसरा ज्वालामुखी टेम्पल का जो डोम है वो 1813 में आपके अकबर ने ही बनवाया था 1840 में महाराजा रंजीत सिंह ने जो आलमुखी टेम्पल के सिल्वर डोर्स को यहाँ पर काव करवाया था या उसको प्रेजेंट यहाँ पर किया था सो so, इनमें से आपके कौन से स्टेटमेंट कर, करेक्ट हैं? वन ओनली टू एंड थ्री वन एंड थ्री या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट वन सो दिस इज वन ओनली यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत आ, सही है बाकी दोनों गलत हैं। अभी अगर आपने कोई भजन भी सुना होगा आप गए होंगे तो आपने क्या देखा वहां पे वहां पे उसमें एक पैरा आता है हर एक भजन में आता है ठीक है उसमें होता है कि नंगे नंगे पैरे मैया अकबर आया सोने दा छत्तर चढ़ाया माँ तो अगर आप हिमाचली हैं तो ये आपको पता है वो आया और उसने एक छत्र चढ़ाया था सोने का आ, बेसिकली वो टेस्ट करने के लिए आया था कि ये मंदिर कैसा है ज्वाला माता है वहाँ पर कि नहीं है और माना जाता है कि वो छत्र जो है एक ऐसे मेटल में कन्वर्ट हो गया जो कि साइंटिस्ट को भी नहीं पता क्योंकि घमंड से बेसिकली देने के लिए आया था तो ऐसा माना जाता है वो किसी और ही मेटल में तब्दील हो गया गोल्ड का वो नहीं वहाँ पर ठीक है उसके अलावा ये जो हम डोम की बात करते हैं ये डोम शेप्ड टेम्पल है आपका और ये डोम महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में इसको यहाँ पर लगवाया था वेर एज जो हम सिल्वर डोर्स की बात कर रहे हैं तो कुंवर नौ निहाल सिंह हैं उन्होंने उसको 1940 में यहाँ पर लगवाया था राइट right? इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पर कहा गया है कि जब महमूद अफ गजनवी ने इन्वेड किया था तो उसने कौन से ऐसे टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था और बाद में वहाँ पर मॉस्क बनवाया था तो ब्रजेश्वरी टेम्पल मसरूर टेम्पल ज्वालामुखी टेम्पल या फिर भद्रकाली टेम्पल तो हम जानते हैं महमूद गज नबी कभी आया था हमने पढ़ा था आपके एंशेंट हिस्ट्री में तो दैट वॉज 1009 ज़ीरो और फोर्थ उसका एक्सपेडिशन था जब वो यहाँ पर आया तो उस वक्त उसने एक टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया जिसका नाम था ब्रजेश्वरी टेम्पल और उसने उसके बाद वहां पर एक मॉस्क बनवा दिया था लेकिन ज्यादा टाइम रहा नहीं वो थोड़े टाइम के बाद में वापस जो टेम्पल है उसको वहां पर रिस्टोर किया गया अगेन ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ था जब फिरोज शाह तुगलक ने इन्वेड किया था अगेन यहाँ पर फिर से हिस्ट्री आती है हिस्ट्री क्या आती है रूपचंद उस वक्त कांगड़ा में रूल किया करते थे वो प्लेन्स को प्लंडर करने के लिए जाते थे दिल्ली में सीट पे कौन बैठे थे फिरोज शाह तुगलक ही गॉट एंग्री जब उन्होंने इन्वेड किया वापस आए वो कांगड़ा फोर्ट की तरफ वापस जाते हुए उन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल को विजिट किया इसी टेम्पल में 1300 किताबें थी वॉल्यूम्स थी बुक्स की फिलोसफी एस्ट्रॉलोजी बहुत सारे लाइक सब्जेक्ट्स like, को लेकर जिसको वो अपने साथ लेके गए थे और ईजुद्दीन खालिद खानी ने उनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था तो इसी वक्त दौरान आपका ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो यहां पर उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैव द दर्लीस्ट स्पेसिमेंट ऑफ नगर स्टाइल इन इंडियन आर्किटेक्चर तो नगर स्टाइल में कौन सा बनाया गया है और अर्लिएस्ट स्पेशली हिमालयन जो नॉर्थ है आपका वहां का ये अर्लिएस्ट पेसिमेंट है भद्रकाली टेम्पल मसरूर टेम्पल बैजनाथ या फिर ब्रजेश्वरी टेम्पल सो so, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी आपका मसरूर टेम्पल मसरूर टेम्पल ये है और ये नगर स्टाइल का यहां पर स्पेसिमिन है अगेन ये एट्थ सेंचुरी में यहां पर बनाया गया था बाय कश्मीरी राजा ललिता दे तो ये आपको पता होना चाहिए और एट्थ सेंचुरी कभी बनाया गया था एचपीपी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे निर्मन कॉपर प्लेट के ऊपर आया था तो चार ऑप्शन थे आपके सिक्स सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी एथ सेंचुरी नाइन्थ सेंचुरी तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी ये हैं आपके मोनोलिथिक टेम्पल्स मसरूर रॉक कट टेम्पल्स अगेन अब जो ये हम नगर स्टाइल की बात कर रहे हैं ये आप टेम्पल आर्किटेक्चर में भी पढ़ते हैं जब इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ते होंगे तो इसके कुछ फीचर्स रहते हैं जैसे इसमें एक मंडप हो रहता है देन गर्भगृह होती है शिकारा ऊपर जो डोम है उसमें थोड़ा शिकारा या फिर हम एक टावर देखने को मिलता है सबसे ऊपर जो है कलश रखा जाता है सो so, ऐसे ही इनके फीचर्स रहते हैं शिकारा स्टाइल नागर स्टाइल आपका फगोड़ा स्टाइल है ना तो ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन अगेन मसरूर रॉकट टेम्पल्स के बारे में दिया गया है पहला है ये पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है कश्मीरी राजा ललितादित्य जो है उन्होंने इसको बनवाया था सेकंड आ गया मसरूर टेम्पल आर ग्रुप ऑफ फिफ्टीन श्राइन्स द मेन श्राइन नोन एज ठाकुरवाड़ा एंड द लास्ट वन इज इसको अजंता ऑफ हिमाल जो हिमाचल प्रदेश है वो भी कहा जाता है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है तो सबसे पहले हम करेंगे इसको ज, आपको जो वहां पे क्वेश्चन करने हैं उसको थोड़ा जो है डिडक्शन से भी करना है ठीक है जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है तो फर्स्ट जिस जिसमें है वो चला गया ये चला गया आपका और ये भी चला गया सो so, अभी क्या रहा थर्ड हमें स्टेटमेंट से पता चल जाएगा थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये अजंता ऑफ हिमाल हिमालय हैं या अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश है तो ये अजंता नहीं है इनको एलोरा कहा जाता है क्योंकि इनकी जो फीचर्स uh, हैं या फिर जो स्कल्पचर्स इसके ऊपर कार्व किए गए हैं वो एलोरा के साथ में uh, यहाँ पर ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं तो थर्ड क्या हुआ आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया तो बचाना एक ही ऑप्शन टू ओनली सो so, इस तरीके से भी आपने क्वेश्चंस को वहाँ पर करने की कोशिश करनी है तो ये तो आ, साफ है यहाँ पर ये नगर स्टाइल में बनाया गया था सेकेंड इज अगेन इसमें जो आपका फिफ्टीन श्राइन्स हैं जिसमें पहले जो है ये शिव शिव जी के लिए यहाँ पर उनको समर्पित किया गया था लेकिन वक्त के साथ में धीरे धीरे और आइडल्स और स्टोन इमेजेस को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया जैसे आपके आ, रामा हैं लक्ष्मण हैं सीता हैं इनको भी इंस्टॉल किया फिर अगेन एलोरा इसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का और अजंता हिमालय किसको कहा जाता है तो वो आपकी ताबो मिनिस्ट्री को यहाँ पर कहा जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन विच अमंग फॉलोइंग टेंपल्स इज हैज द रिजेंबलेंस विद द फेमस टेंपल्स ऑफ उड़ीसा तो अब आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है लेकिन 2021 के एच में पूछा गया कि एक टाइप की मैरिज रहती है वो आसाम की एक मैरिज से क्या करती है सिमिलैरिटीज रखती है रिजेम्बलेंस रखती है तो अगेन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है मसरूर टेम्पल बैजनाथ टेम्पल जगन्नाथ या फिर गायत्री अगर आप फोटो से पता लगा देते हैं तो भी ये हिंट है आपके लिए इसका सही आंसर रहेगा बैजनाथ टेम्पल अभी जो बैजनाथ टेम्पल है वो ओडिशा के टेम्पल्स की तरह यहाँ पर रिजेंबलेंस रखता है तो दो मर्चेंट हुआ करते थे उनका नाम था मनयुका और अहूका उन्होंने 1204 जीरो में इसको बनवाया था उस वक्त बैजनाथ का नाम कीरग्राम या किरीग्राम हुआ करता था वक्त के साथ में इसको रेनोवेट जो है वहाँ के राजा करते गए जो कि जिनमें से एक आपके महाराजा संसार चंद भी यहाँ पर थे यहाँ पर अगेन Uh, इसमें जो है मेन एक लिंगम जो है वो शिवजी का स्थापित किया गया है और गर्भगृह है इसमें जो एट की है लेकिन इसका जो ऊपर स्पायर है जो इसका टावर है वो शिकारा स्टाइल का है लेकिन अब अगेन अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका नगर स्टाइल में ही कंस्ट्रक्ट किया गया है आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ

भद्रकाली टेम्पल जो आपका ये टेम्पल है जब नाइनटीन जीरो फाइव में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और इस तरीके से ये यहाँ पर क्या हुआ था डैमेज हो गया था वापस से इसको इंटैक्ट ने आपका रिस्टोर किया इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये सारा एरिया में है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मैच द फॉलोइंग है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं तो एक तरफ कांगड़ा के टेम्पल्स हैं एक तरफ आर्किटेक्चर स्टाइल हैं ज्वालामुखी टेम्पल राम गोपाल और मसरूर फ्लैट रूफ डूम एंड नगर तो ये आपके लिए डिडक्शन ईजी हो जाएगी सिंस हम पहले से भी क्वेश्चन कर रहे हैं ज्वालामुखी जो, जो टेम्पल है वो डूम स्टाइल का है हमने देखा देन इज आपका जो मसरूर आता है वो आपका नगर स्टाइल में बनाया गया है एक बचा आपका जो आपका राम गोपाल है तो दैट इज़ फ्लैट रूफ स्टाइल सो द आंसर बिकम्स वन वन बी टू ए थ्री सी तो ये आपके इन टेंपल्स के बारे में कुछ हमें चीजें देखने को मिलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 8th क्वेश्चन एक बुद्धिस्ट स्टूपा एट चेत्रू है जो कांगड़ा में आपका बिल्ड किया गया था किसने उसको बिल्ड करवाया था या फिर कौन उस वक्त यहाँ पर किसका पीरियड चल रहा था हर्षा चंद्रगुप्त 2 अशोका या फिर कनिष्क सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी अशोका तो हम क्या देखते हैं कि अशोका जो थे वो अगेन बुद्धिज़्म को यहाँ पर प्रमोट करना चाहते थे और उन्होंने पहाड़ों में कुछ अपने एडवोकेट्स को या कह सकते हैं बुद्धिस्ट मंक्स जो थे स्कॉलर्स जो थे उनको भी भेजा था उनमें जो हेड थे उनका नाम क्या था उनका नाम था मजिम है ना तो उनकी अंडर जो है यहाँ पर ही आया इसी दौरान जो है ये स्तूपा ऑफ क्षेत्रु भी यहाँ पर बनाया गया था इसमें अगेन स्कल्पचर्स जो हैं जो भी जिस तरीके से बुद्धा की लाइफ है उसको बताया गया उसके बाद में ये जो है डिस्ट्रॉय हो गया काफ़ी टाइम के लिए लेकिन बाद में जब इसके रूम्स मिले तो कुशन पीरियड में भी इसको रिवाइव यहाँ पर किया गया था और बुद्धिज़म वापस से उठता हुआ हमें यहाँ पर दिखा तो बुद्धिज़म जब हम पढ़ते हैं हिमाचल में बहुत सारे राजा नहीं पढ़ते उसमें से अशोका एक इम्पॉर्टेंट है जिनका यहाँ पर हमें काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पर एक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम जिसका नाम है हरियाली हरियाली पहले सावन जो आपका फर्स्ट ऑफ सावन है पहली तारीख हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस वक्त मनाया जाता है और इसको कांगड़ा हमीरपुर उन्ना में छेरनू या छेरनू साजी भी कहा जाता है सो वॉट इज दी करेक्ट वन वन ओनली टू ओनली बोथ आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं ये जो फेस्टिवल है हरियाली इसमें आपके बहुत सारी जो चीज़ें हैं या मशाल है इस तरीके की वो भी जलाई जाती है जिसके जिसे माना जाता है कि जो आने वाला क्रॉप है या फिर जो कैटल है उनको इंसेक्ट से यहाँ पर बचाया जाएगा तो इसको छेरनू कहते हैं या अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि असली प्रोनाशिएशन क्या है नेक्स्ट आ गया टेंथ क्वेश्चन तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर एम एस रंधावा रोड कांगड़ा पेंटिंग इन 1952 कांगड़ा स्कूल ऑफ गुले ऑफ़ पेंटिंग हैज़ इट्स रूट्स फ्रॉम गुलेर एंड द लास्ट वन इज कि जो कांगड़ा पेंटिंग्स है वो अपने जेनिथ पर पहुंची महाराजा संसार चंद के टाइम पे सो so, इनमें से आपका कौन सा करेक्ट है वन ओनली टू टू एंड थ्री वन एन थ्री ऑल ऑफ करेक्ट सो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपके सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट वन इज इन जो फर्स्ट ये आपका कांगड़ा पेंटिंग है ये किसने लिखी थी ये आपके डब्ल्यू सी आर्चर ने यहाँ पर इसको लिखा था 1952 में जो सेकेंड स्टेटमेंट है तो गुलेर स्कूल जो है वो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था उससे ही बाकी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग या कांगड़ा कलम जो है वो निकल कर आई लेकिन कांगड़ा पेंटिंग या कांगड़ा स्कूल जो है वो इतना फ्लरिश हुआ कि उसने ओवर पावर कर दिया आपके आने वाले टाइम में गुलेर स्कूल एंड द लास्ट वन इज कि कांगड़ा को जो कांगड़ा पेंटिंग्स को बहुत ही ज़्यादा लाइक सिंस महाराजा संसार चंद आर्ट के काफी लवर थे तो उन्होंने क्या किया इसको का तक उस वक्त यहाँ पर पहुँचाया था बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटर्स जो हैं इनके टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ही मास्टर पीसिस जो हैं वो बनाए गए इलेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी कि इनमें से कौन से कांगड़ा स्कूल थीम कह सकते हैं या फिर पेंटिंग्स नहीं है तो गीत गोविंदा ऑफ जय रास रास्का प्रिया विष्णु इन हिज टू इन एंड एंड बारामासा वन इन टू वन टू थ्री फोर ओनली या फिर फोर एंड फाइव नॉट पूछा गया है तो मैंने आपको चंबा के बारे में जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब भी विष्णु और उनके इनकारनेशंस की बात आती है तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ चंबा पेंटिंग्स चंबा रुमाल चंबा थाल तो विष्णु के इनकारनेशंस सो करेक्ट आंसर हो जाता है फोर्थ वन तो कांगड़ा पेंटिंग्स की अगर हम बात करें ब्राइट कलर्स यूज करते हैं इनके थीम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जो फेमिनिन फीचर्स हैं उनको बहुत तरीके से यहाँ पर शो किया जाता है कृष्णा और उनकी बिलवड राधा जो हैं उनके जो प्रेम प्रसंग है उसको जताया जाता है जब हम विष्णु की बात करते हैं तो हमें वो चंबा पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं उसके अलावा आपके गीता गोविंदा है भगवत पुराण है बारा मास है तो वो सब हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट आ गया हमारा ट्वेल्थ क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ग्रेट मास्टर हैं पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना काम जो है यहाँ पर राजा संसार चंद के नीचे किया है या फिर इस टाइम पे वो जो फ्लर्श किए पंडित सेव नैन सुख निका या फिर मनकुं सो so, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्योंकि कुछ ये एक ही फैमिली ऑफ पेंटर्स हैं सो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका मनकुं तो पंडित सेव जो थे उनके दो बेटे थे फिर उनके आगे जो उनका बेटा था नैनसुक उसके आगे दो बेटे थे सो so, एक ही फैमिली ऑफ पेंटर्स है जिनमें ये सारा का सारा टैलेंट था तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मनकू और सेऊ जो है आ, जो आपका मनकू है वो आपके महाराजा संसार चंद के को यहाँ पर सर्व कर रहे थे नैनसुख जो हैं वो राजा बलवंत सिंह के पास में यहाँ पर उनके कोर्ट में बेसिकली बैठा करते थे और एकदम स्टार्टिंग कहाँ से हुई तो इनके फादर से जो पंडित सेऊ थे वो आपके गुलेर स्कूल में यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए सिंस अर्ली स्कूल वो था तो वहाँ पर वो इन्वॉल्व रहा करते थे फिर आ गया आपका थर्टींथ क्वेश्चन इन में से किसको जीआई टैग मिला हुआ है वर्ल्ड मार्केट में फॉर इट्स यूनिक आइडेंटिटी बशोली पेंटिंग कांगड़ा पेंटिंग अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग या फिर चंबा पेंटिंग सो दिस इज कांगड़ा पेंटिंग ये तो ईजी है हमने बहुत बार जी आई टैक्स पढ़े हैं तो पेंटिंग जब हम पढ़ते हैं उसमें जोग्राफिकली ये दो इसको हिस्सों में बांटा जाता है एक आता है आपका बशोली स्पेशली ये कश्मीर वाले एरिया से निकल कर आता है दूसरा आता है कांगड़ा या गुलेर हम जिसको कहते हैं आगे इसमें आपका कुल्लू को इसने इन्फ्लुएंस किया वेर एज इसमें आगे जो है सारे के सारे आपके अर्की स्कूल है चंबा पेंटिंग्स हैं ये कहीं ना कहीं यहीं से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं तो जो पेरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं वो सेम है आगे जो है उनके हमें क्या देखने को मिलते हैं सबर ने या ऑफ शूट्स तरीके से कह सकते हैं <coughs> अलग अलग कलम जो है यहाँ पर डेवलप होती जाती है और इसको जी टैग दिया गया है अभी जी टैग का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी पेंटिंग को ऐसे बोल के नहीं बेच सकता कि ये कांगड़ा पेंटिंग है उनके जो हैं वहाँ पर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है एज वेल एज़ जो भी आपके पेंटर्स हैं अभी अभी जो काम कर रहे हैं ये उनको इंश्योर करता है कि वो उनका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस वहाँ पर उनको प्रॉपर दिया जाएगा तो ये आर्टिस जो आर्टिस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है तो इसलिए इसको जी आई नेक्स्ट आ गया फोर्टीन क्वेश्चन which among the following festivals has been celebrated as the festival for a girl child in Pragpur village in Kangra in the past three centuries? Jugjed, then is apka Lodi, Gochi ya Kauchala. Ab ho sakta hai, main galat pad rahi hu. ठीक है so, इसमें से जो correct रहेगा वो कौन सा रहेगा लोड़ी Pragpur की क्या है लोड़ी बहुत ज्यादा famous है अगेन ये जाती है हिस्ट्री में बात हिस्ट्री में एक प्रिंसेस थी जिनका नाम था पराग दे वो जसवान स्टेट की यहाँ पर प्रिंसेस थी उनको याद किया जाता है और तीन सेंचुरी से यहाँ पर जो है इसको लोडी मनाया जाता है जिसको माघी और साजा भी कहते हैं स्पेशली जब भी गर्ल गर्लचाइल्ड पैदा होती है और यहाँ पर जो है बहुत सारे इमेजेस लिए जाते हैं फीमेल फोइटीसाइड को बेसिकली uh, अवॉइड करने के लिए या बैन करने के लिए तो एक गर्ल चाइल्ड का जो बर्थ है वो यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ये जो प्रागपुर की लोड़ी है ये आपका क्या है ये स्टेट फेस्टिवल या स्टेट फेयर भी यहाँ पर मना अगर हम मेल चाइल्ड की बात करते हैं तो उनके लिए केलोंग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम गोची है वेर एज जाला जो है ये आपके लाहौल में एक टाइप की दिवाली है जिसमें मशाल जो है मशाल जला के उसको आ, जलाया जाता है या जिसे लोडी जलाते हैं उसी तरीके का रहता है फिफ्टींथ क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जयंती माता देवी टेम्पल कहाँ पर है सुजानपुर जोगिंद्रा नगर शिमला या फिर कांगड़ा सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ये आपका कांगड़ा में है यहीं पर जयंती माता टेम्पल में ही आपका भीष्म पितामा फेस्टिवल जो है वो भी यहाँ पर पाँच दिन तक पंच भीष्म जो है इसका वो मनाया जाता है भीष्म पितामा को मेमोरेट करने के लिए और पाँच दिन के लिए यहाँ पर मनाया जाता है यहाँ पर तुलसी और सालीग्राम जो आपके दो पौधे हैं इनकी शादी भी करवाई जाती है और बहुत इसको सेलिब्रेट खूब यहाँ पर किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं पूछा गया है कौन सा करेक्ट है सोनी महवाल पोर्ट्रेट ऑफ सिख गुरु कांगड़ा ब्राइड गद्दी बिले आर सम ऑफ़ द फेमस वर्क ऑफ सरदार शोभा सिंह और जो पहली कांगड़ा ब्राइड की पेंटिंग थी वो लेडी माउंट बैटन ने एकर की थी एंड द लास्ट वन इज़ की रिपब्लिक डे पे 1974 ने पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था इनको सरदार शोभा सिंह को स्टेट आर्टिस्ट भी डिक्लेयर किया था तो so, कौन से कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के बारे में वन ओनली वन एंड टू टू एंड थ्री फिर ऑल ऑफ आर करेक्ट सो द करेक्ट आंसर यहां पर आपके सारे स्टेटमेंट्स सही हैं अभी सरदार शोभा सिंह जो हैं ये वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पेंटर्स हैं जो हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं इनके नाम पर क्या है एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है यहाँ पर इनकी जो फेमस पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर हैं इनके फेमस वर्क्स हैं सोनी महवाल हिर रांझा देन इज़ आपकी कांगड़ा ब्राइड और उसके अलावा जो सिख गुरुज हैं उनकी पोर्ट्रेट्स भी इन्होंने यहाँ पर बनाई हैं इसमें से जो आपकी पहली कांगड़ा ब्राइड की पेंटिंग थी वो लेडी माउंट बैटन ने यहाँ पर इसको लिया था और इनको स्टेट आर्टिस्ट भी 1974 में पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाया था नेक्स्ट है हमारा सेवनटीन्थ क्वेश्चन और इसमें से आपके इनकरेक्ट पूछा गया है अबाउट दी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तो पहला तो आ गया आपका कि मुगल जो आपके मुगल एम्प्रर है अकबर वो पिलग्रमेज में आए थे ज्वालाजी में आए थे और छत्र गोल्ड का छत्र जो है उन्होंने गॉडेस को चढ़ाया था और गुग्गा फेयर जो है वो मनाया जाता है यहाँ इन दी ऑनर ऑफ हु परफॉर्मड सती दोनों में से कौन से यहाँ पर करेक्ट हैं सो so, जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है मैंने आपको स्टोरी सुना दी भजन भी सुना दिया है ना उसमें कि आया वो उसने छत्र चढ़ाया घमंडी था घमंड के स्वरूप से चढ़ाया तो किसी और मेटल में तब्दील हो दूसरा जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है गुग्गा फेयर जो है ये आपके एक नागा कल्ट है तो जब स्पेशली आपका सांप काटता है तो इनके पास में जाया जाता है या इनकी पूजा जो है एज ए नागा कल्ट स्नेक कल्ट के तौर पे यहाँ पर की जाती है ठीक है और ये जो हम बात कर रहे हैं सती की इसको सकोड़ी फेयर कहा जाता है ये डोग विलेज में मनाया जाता है जोगिंद्रानगर के पास में तो ये ज, जिन भी औरतों ने सती की उनको ऑनर करने के लिए मना फिर आगे आपका एटीन क्वेश्चन ऐसा कौन सा ऐसी जगह है जहां पर रावण का जो पुतला है वो नहीं जलाया जाता स्पेशली दशहरा जब भी होता है तभी जलाते हैं ना तो कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण का पुतला वहां पर नहीं जलाया जाता भरमौर बैजनाथ ढालपुर या फिर चौगान सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बैजनाथ तो यहां पर क्या स्टोरी है आपकी के बेसिकली बैजनाथ जो है शिव जी के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनका ध्यान किया जाता है तो माना जाता है कि रावण जो है ही वॉज द वन जो शिवजी को वहाँ पर लेकर आया था सो so, इसी को रिस्पेक्ट करने के लिए तो माना जाता है ना कि शिव जी के आराधना की, की रावण ने बहुत ही काफ़ी टाइम के लिए वो ध्यान में बैठा और शिवजी जो है खुश हुए शिवजी जब भी खुश हुए तो उन्होंने बोला जब उसको वरदान दिया गया तो उसने बोला कि आप मेरे साथ कहाँ चलिए लंका में चलिए तो वो उनको लेके जा रहा जो कैलाश को अपने ऊपर अपने कंधे पर उठा कर ले जा रहा था तो तभी क्या होता है नेचर इज कॉल उसको जो है वॉशरूम यूज़ करना होता है इसी टाइम पे वो एक गडरिया वहाँ पर घूम रहा था उसको उसने जो है वहाँ पर शिव जी जो है लिंग जो है वो उनको पकड़ाया कि नीचे नहीं रखना है मैं जा आता जो वो वहाँ पर रख दिया और वो वापस आया तो उसने उठाने की जब कोशिश की जो शिवलिंग है वो वहाँ से नहीं उठा तो क्या हुआ कि बैजनाथ वाले लोग खुश हो गए कि अब जो है शिव जी यहीं पर रहेंगे तो उनकी यही इच्छा मानी गई कि वो यहाँ पर रहना चाहते हैं इसी की वजह से वो रावण को जो है बेसिकली मानते हैं कि वो सबसे बड़ा डिवोटी था शिवजी का और इसी के लिए हम दशहरा सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी बैजनाथ में नहीं देखते कि ये जो तीन पुतले हैं यहाँ पर जलाए जाए 19th क्वेश्चन आ गया हमारा इनमें से कौन सा मेला जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता चिंतपूर्णी ज्वालामुखी पंचभीष्म और गुग्गा फेर सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी चिंतपूर्णी चिंतपूर्णी माता कहाँ पर है ऊना डिस्ट्रिक्ट में तो वो वहां पर मनाया जाता है ज्वालामुखी फेयर ज्वाला जी में मनाया जाता है पंचभीष्म फेस्टिवल आपका पाँच दिन का होता है जयंती माता के पास टेम्पल में मनाया जाता है और बेसिकली पाँच दिन जो हैं भीष्म पितामा बाणों की शैया पर लेटे थे इसी के लिए पाँच दिन इसको मनाया जाता है गुग्गा फेयर मैंने आपको बता दिया एक नागा कल्ट है तो स्नेक कल्ट जब आपकी स्नेक बाइट स्पेशली कभी होती है तो उनको विजिट किया जाता है और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आते हैं इसको लाइक बड़े देवता हैं लास्ट हमारा आ गया च राजा ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिड द होली फेयर ऑफ सुजानपुर तीरा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट अभय चंद घमंड संसार चंद या अनिरुद्ध चंद सो कौन जो हैं जिन्होंने uh, आपके होली फेयर शुरू किया था सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज संसार चंद संसार चंद ही थे जिन्होंने क्या किया आपके सबसे पहले मेन सेटलमेंट जो है वो सुजानपुर uh, तीरा के पास में लेके आए थे उसको कैपिटल की तरह वहाँ पर रखा ये जो आपका होली फेयर है ये वहाँ का स्टेट फेस्टिवल भी है और जैसे राजा आपके महाराजा संसार चंद थे आ, ये बहुत ही फॉन्ड थे आर्ट के कल्चर के फिलोसफी के तो वहाँ पर जो ये फेयर है ये बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मनाया जाता था कि बहुत सारे विद्वान जो हैं वो आएंगे शास्त्रार्थ होंगे या आपके जो भी आर्ट है उसको वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा So, इस तरीके से इसको जो आपके कटोच किंग हैं उन्होंने इस ट्रेडिशन को यहां पर किया और अभी ये आपका स्टेट फेयर भी यहाँ पर है सो दैट इज इट फॉर टुडे आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन रिविजन एंड पढ़ते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट